नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आपके सामने आया हूँ। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, डेट आ गई है। दोस्तों किस डेट को 72 लाख किसानों के खाते में पैसा आएंगे और किसानों को क्या करने की आवश्यकता है ताकि उनके 2000 रुपये की राशि उनकी अटके ना। किसान भाइयों बिल्कुल ये बहुत ही विशेष जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही अच्छे से समझा। अगर आपने ये नहीं करवाया जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ तो आपका पैसा नहीं आएगा। सो इसलिए वीडियो में ध्यान पूर्वक सुने और वीडियो को अच्छी तरह से व्याच करें। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे एक ही आग्रह, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, पहले से कमेंट करके आपको बताया वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करो, मैं अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूंगा। साथ ही आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि पीएम किसान की 14वीं किस्त डालने वाली है, जो कि 14वीं किस्त की राशि यहाँ पे पीएम किसान की डालने वाली है, जो कि वो किस तारीख को डालेगी वो कि राशि आपको कुछ लगभग आपके 27 जून तक वो राशि आपकी सभी 72 लाख किसानों के खाते में, जो कि 14वीं किस्त की राशि डलने वाली है, जो कि 14वीं किस्त 27 जून तक 72 लाख किसानों को मिलेगा जल्द से जल्द पैसा। अब किसानों को क्या कराने की आवश्यकता है जो कि उनका पैसा अटके ना। सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह, मेरा निवेदन है कि अभी तक जिन किसान भाइयों को अभी तक उन्होंने डीबीटी सक्रिय नहीं करवाया जो उनके बैंक अकाउंट में, तो डीबीटी सक्रिय जल्द से जल्द अपनी डीबीटी सक्रिय करा ले, ताकि जो कि आपको पता है कि हर गवर्नमेंट स्कीम का पैसा डीबीटी के माध्यम से ही डाला, पहले आधार बेस पर पैसा डालता था, जो कि अब आधार बेस पर पैसा नहीं डलेगा, अब आपका डीबीटी के माध्यम, जो कि आपको पता ही है कि लाडली बहना योजना का पैसा 1000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से डली गई, तो अब पीएम किसान का पैसा भी डीबीटी के माध्यम से ही ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपको ट्रांसफर किया जाएगा। सो जिन किसान भाइयों ने अभी तक डीबीटी का अभी तक आपकी डीबीटी नहीं है, आपकी डीबीटी जल्द से जल्द चेक करवा ले, चेक या खुद एनपीसीआई के लिंक से चेक कर ले, जो कि आप चेक कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप जल्द से जल्द 27 जून से पहले बैंक में जाकर आपकी डीबीटी लिंक करवा ले, अन्यथा आपका पैसा 2000 रुपये की राशि आपको प्राप्त नहीं होगी। सो फिलहाल आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा सभी किसान भाइयों तक शेयर करना ताकि जानकारी सब तक पहुँच सके। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी वाला बटन प्रेस करना ताकि आने वाले अपडेट आप तक पहुँच सके। जैसे मैं वीडियो डालूँ आप तक घंटी बजे से आप मोबाइल का घंटी बजे और आप तक अपडेट हो सके। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।